इस वीडियो में मैं आपको लाइव चरोद्धा पर बॉट ट्रेडिंग दिखाऊंगा। तो हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे। डेफ्ट में जानना है तो हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हो, खाली मैं यहाँ ओवरव्यू दिखाऊंगा। तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली स्ट्रैटेजी पे मैं वर्क करके दिखा रहा हूँ। जो लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पे काम करते हैं, मैंने यहाँ पर कोड डाला एंड पेस्ट करा, ये मैंने सपोर्ट बना रखा है। तो अगर मैं इस लाइन को यहीं रखूँ और कैंडल अपने आप टच होगी तो मेरा ऑर्डर लग जाएगा या करंट मार्केट में बाय कर लेगा, जो भी मैं कोड पेस्ट करूँगा। तो वो चीज़ यहाँ आप देख सकते हो, जीरो ऑर्डर है ऑर्डर बुक के अंदर। तो अभी के लिए मैं ऑर्डर लगाऊंगा और मैं यहाँ तक का वेट नहीं करूँगा कि इधर कैंडल आए और फिर टच हो जब बाय हो। ये पोजिशनल ट्रेड होती है, जो पैटर्न पर वर्क करते हैं उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल है। तो अभी के लिए हम जानबूझ के टच करवा देते हैं जिससे कि मैं आपको लाइव दिखा सकूँ। तो ये देखिए, मैंने जैसे टच कराया और यहाँ पर एक ऑर्डर लग गया मार्केट रेट से 2% नीचे, क्योंकि मैंने कमांड ये डाल रखी थी अगर मैं चाहता डायरेक्ट बाय करे तो यहाँ बाय कर लेता। तो ये एक कमांड है जिसके हम हॉरिजॉन्टल ट्रेडिंग कहते हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होती है। थोड़ा सा डीप में बताऊँ तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड में रिमूव कर दूँ। इसके लिए क्या होता है कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाया इस तरीके से, और आप चाहते हो कि इधर बाय हो, इधर सेल हो, 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 तो इजीली तरीके से आप जरूरतों पे चीज़ें कर सकते हैं। हो सकता है कई बार आपका जब इधर बाय होगा और मार्केट और नीचे आएगी तो ऐसे में आप अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं जिससे कि मार्केट नीचे आए तो आपकी पोजिशन स्केयर ऑफ हो जाए। तो जो पैटर्न पर वर्क करते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट यूजफुल बॉट है। अब सेकेंड ट्रेड करके देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन करो ट्रेंड लाइन पे, तो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये एक सपोर्ट बनाया, एक ये रेजिस्टेंस बनाया। अब जैसे ही यहाँ पर टच होगी लाइन ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, पर उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो वेट ना करते हुए मैं जानबूझ के इस पर टच कराता हूँ। तो मैंने यहाँ कमांड बनाई और यहाँ ये डाला और इस तरीके से कमांड बन गई। ऑर्डर में जाते हैं, ऑर्डर में एक ऑर्डर लगा हुआ है, इसे डिलीट मार देते हैं जिससे आपको लाइव दिखा सकूं, क्योंकि लाइव ये ट्रेड चल रही है बॉट ट्रेडिंग। और अब आप जो रोजा पे देखोगे कोई भी ऑर्डर नहीं है, जीरो ऑर्डर है। और हम इधर जाते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे और इसे जानबूझ के टच कराएंगे, क्योंकि अभी हमें वेट करना पड़ेगा, अगर हम ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। तो जैसे इसमें थोड़ी सी हल्की मूवमेंट होती है लाइन के अंदर और इससे टच होती है तो यहाँ पर कमांड आ जाएगी, जैसे अब आ गई। और अगर हम काइट पर जाके देखेंगे तो आप देख सकते हो इन्हें 2% नीचे ऑर्डर लगा दिया। अब ये 2% नीचे इसलिए लगा रखा है क्यों, मैंने इसे बोल रखा है कि जैसे टच हो आप ऑर्डर लगाओ, डायरेक्ट बाय ना करो, बॉट को ये बता रखा है। आप चाहते हो कि डायरेक्ट बाय कराना, आप इजीली तरीके से करा सकते हो। तो ये एक मैंने आपको हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन से बॉट को यूज़ करने के बारे में एक ओवरव्यू दिया। आप इस तरीके से बहुत कुछ कर सकते हो। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये एक मेरा फेवरेट इंडिकेटर है जिसका नाम है आई गोल्फ। और इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ बाय का सिग्नल आया, यहाँ सेल का सिग्नल आया, बाय का सिग्नल आया, सेल का सिग्नल आया। तो ऑटोमेटिक जब बाय का सिग्नल आएगा तो बॉट बाय कर लेगा, सेल का सिग्नल आएगा तो सेल कर देगा। इस तरीके से भी आप बॉट पे काम करा सकते हो। आप चाहो स्टोकेस्टिक, मैकडी, आरएसआई, जो भी आप इंडिकेटर पे काम कराना चाहते हो, आप अपने कस्टम इंडिकेटर बना के भी काम करवा सकते हो, आप ऑफिशियल इंडिकेटर पे भी काम करा सकते हो एज अ बॉट। तो इस तरीके से भी आप इन चीज़ों को कर सकते हो। अभी के लिए मैं इंडिकेटर को बंद कर देता हूँ, इस पर किसी दिन और वीडियो बनाऊंगा ओवरव्यू की। अभी के लिए मैं आपको एक स्ट्रैटेजी और दिखाता हूं जिसके अंदर क्या होगा कि मैंने ये स्ट्रैटेजी यहां पर चलाई तो करंट मार्केट में जो प्राइस चल रहा होगा उससे नीचे मेरी बिड लग जाएगी। तो मैंने चला दी और ये स्ट्रैटेजी एक मिनट के टाइम फ्रेम में वर्क करेगी। तो यहाँ आप देख सकते हो 50 सेकंड रह गए। तो जैसे ये 0 सेकंड रहेंगे तो हमारी कमांड आएगी और वो वर्क करेगी। वर्क कैसे करती है मैं आपको बता दूँ, जैसे कि इधर 59 प्राइस चल रहा है तो वो 3 ऑर्डर लगाएगी, एक 2% नीचे, एक 3% नीचे, एक 4% नीचे। वो अभी परसेंटेज मैंने सेट कर रखी है, आप चाहो तो 0.5%, 1%, जो भी आप परसेंटेज डालना चाहते हो सेट कर सकते हो। वो ऑर्डर लगेंगे, अगर वो ऑर्डर एक मिनट के अंदर एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो अभी 20 सेकंड रह गए कमांड आने में और हम जाते हम पिछला ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं क्योंकि वो बेकार में लगा हुआ था। हम कैंसिल ऑर्डर बॉट के साथ भी कर सकते हैं, अभी मैं मैनुअल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा टाइम बचाना चाहता हूँ। और ये देखिए 7 सेकंड रह गए, हमने जो कमांड लगाई है ग्रॉस मार्जिन स्ट्रैटेजी कहते हैं उसे, वो कैसे वर्क करेगी देखिए। 0 सेकंड हम बॉट पे गए और यहाँ देखिए 3 ऑर्डर आए, 1, 2 एंड 3, ये 3 ऑर्डर आए। अगर आप करंट प्राइस देखोगे तो आपको एलटीपीटी में दिख जाएगा और 3 ऑर्डर इस तरीके से आए। ये भी 2% नीचे लगी है मार्केट प्राइस से, ये 3% लगी है, 4% लगी है। तो इसके अंदर हम कोई भी परसेंटेज डाल सकते थे या नंबर भी डाल सकते थे, 1 रुपये नीचे लगे, 2 रुपये नीचे लगे या 3 रुपये नीचे लगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ,
अब फिर से क्या दिखाना, मैं इसको वो दिखाता हूँ कि एक मिनट के अंदर अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी और दोबारा ऑर्डर लगेगा। तो मैंने कमांड चालू कर दिया, अब देखिए 26 सेकंड रह गए। अगर एक मिनट के अंदर, अभी तो रियलिटी है तो ये बात है कि 2% मार्केट एक मिनट में नहीं जा सकती नीचे, और 3% 4% नहीं जा सकती अभी के हिसाब से, पर अगर जाती तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते, अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये देखिए 10 सेकंड रह गए और ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए, अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक इन ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। तो आपके सामने मैं ये कजर मेरा देख सकते हो आप, यहाँ पर है और यहाँ कमांड आई और ये देखो उन्होंने ऑर्डर कैंसिल करे, कितनी फास्ट करे, मैनुअली भी आप नहीं कर पाओगे, और तीन ऑर्डर दोबारा से उन्होंने कैलकुलेट करके लगा दिए। तो आप इसके साथ, बॉट के साथ, किसी भी तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ काम कर सकते हो। फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, बॉट को बंद करना होता तो हम यहाँ से करते हैं, और ये इंडिकेटर देखिए बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, आईगोल्फ ये मैंने बनाया हुआ कस्टमाइज इंडिकेटर, बहुत अच्छा वर्क करता है। देखो बाय का सिग्नल, सेल का सिग्नल, एक मिनट के टाइम फ्रेम में ये सिग्नल दिखा रहा है यस बैंक पे। तो काफी सारे इंडिकेटर है जिनके साथ आप बॉट चला सकते हो। आप स्टोकेस्टिक, MACD और RSI, जो भी आपका इंडिकेटर है, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिस पे भी आप करना काम करना चाहते हो उस पे आप काम कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि इस बॉट के साथ कैसे काम करा जाता है तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, और आप हमारी वेबसाइट nextlevelbot.com पे जाके विजिट कर सकते हो। यहां बताया हुआ आप किस तरीके से काम कर सकते हो। बॉट का जो प्राइस है 499 रुपीज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड